हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम की पेन होल्डर बनाना बताऊंगी। आप इसमें फ्रेंड स्पून भी रख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, तो इसके लिए हमको चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे वेस्टेस कॉर्ड लिया है, वो अब मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी। आपको वेस्टेस कॉर्ड जो बचा हुआ है घर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिया है वाइट कॉर्ड्स, जो कि 1.5 मीटर में मैंने कट किया है, वो लिया है मैंने 30 कॉर्ड्स। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रिंग लिया है, जो है 3.5 इंच में है ये तो। और लाइटर सीजर एज यूजल, और इसका डिटेल्स मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वो फॉलो कीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाइट कलर का कॉर्ड्स है 3.5 इंच में, उसमें मैं अब कॉर्ड को, ये है 3.5 इंच, और फ्रेंड्स कॉर्ड जो है इसका नाप है 1.5 मीटर, तो इसमें मैं अब इसको अटैच करूँगी। इस तरह से देखिए, ऊपर से लेके इस तरह से इसको नीचे ले जाना है। ऐसे ही करके फ्रेंड्स 30 कॉर्ड को यहाँ पे रिंग में अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 30 कॉर्ड को अटैच कर दिया है, तो यहाँ पे अब 4-4 कॉर्ड लेना है, और इसमें सिंपल सा स्क्वायर नॉट लगा देना है। इसी तरीके से पूरे में 2-2 करके स्क्वायर नॉट लगेगा, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर नॉट यहाँ पे आएगा। मैंने 30 यहाँ पे कॉर्ड यूज़ किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है 4-4 करके यहाँ पे कॉर्ड लेके। तो अब फ्रेंड्स, ये जो 2 यहाँ पे नॉट आया है, इसके बीच में और 4 लेकर, इसमें से 2 और इसमें से 2 लेकर, फिर से यहाँ पे 1 लाइन फिर से कंप्लीट करना है। इसी तरीके से फिर से 1 लाइन करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 लाइन कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी एक कॉर्ड्स यहाँ पे लेना है, कोई भी एक कॉर्ड्स लेना है, और इसमें पाइपिंग लगाना है, जो पूरे यहाँ पे कॉर्ड है इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के, इसके जो आगे है कॉर्ड उसको लेके यहाँ पे पाइपिंग लगेगा। 1 राउंड यहाँ पे पाइपिंग लगाना है सारे कॉर्ड्स को लेके। इसी तरीके से 1 राउंड पाइपिंग लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 राउंड कंप्लीट कर दिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेस्टेस 1 कॉर्ड लेना है। तो ये फ्रेंड्स, जो ये कॉर्ड है, ये बहुत लंबा चाहिए आपको, 2 या 3 मीटर तक चाहिए। तो फर्स्टली मैंने 1 मीटर लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अटैच कर दूँगी, नहीं तो करने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी एक कॉर्ड यहाँ पे लेना है, और इसके नीचे से इसको ऐसे रख के, देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्ड है इस तरह से पाइपिंग लगाना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से इसको पाइपिंग करना है। तो कॉर्ड, सब कॉर्ड में इस तरह से पाइपिंग करना है। अब
देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस तरह से सेम प्रोसेस से इसको ऊपर लेके इस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ। तो पूरे में ऐसे राउंड करके यहाँ तक लाना है फ्रेंड्स। ये जो कॉर्ड है, इसके जो आगे कॉर्ड है, इस तक सेम प्रोसेस से करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने कंटिन्यू किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो लास्ट कॉर्ड था उस पर मैंने लास्ट पाइपिंग किया था, और यहाँ से मैंने ये जो कॉर्ड है इससे मैंने स्टार्ट किया था। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी, और पीछे से इसको इस तरफ से स्टिक कर देना है पीछे से। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वन राउंड कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी। तो इसके लिए यहाँ पे अब मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये जो पिंक कलर का कॉर्ड है इसको यहाँ पे मैं कट कर दूँगी, और इस पे ग्रीन कलर को अटैच करूँगी लाइटर की मदद से। इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो इस तरह से फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इस कॉर्ड जो है, जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे किया था पिंक कॉर्ड से, तो इसी तरह से इसको ऊपर लाके वाइट कॉर्ड्स को ऐसे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कॉर्ड को लंबा लेने से दिक्कत होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, और चाहे तो अटैच भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से कैसे फिर से कंटिन्यू करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गैप है इसके लिए मैंने एक बोर्ड को यहाँ पे कट किया है, तो इसके अंदर से इसको मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी। इसके बराबर मैंने यहाँ पे कट किया है, जैसे कि पेन या फिर वो ना गिरे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो आप भी कीजिए, जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसी तरीके से कंटिन्यू किया है डिफरेंट कलर के साथ वेस्टेस कॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट पे देखिए ऐसे आया है। तो लास्ट के कॉर्ड में वन यहाँ पे टाइम किया है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैंने कलर को अटैच किया था, तो यहाँ पे जो लास्ट कॉर्ड आया है इसको मैं लाइटर की मदद से इसको पीछे से स्टिक कर दूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ऐसे एक्स्ट्रा जो कॉर्ड आया था, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर की वाइट कॉर्ड लिया था, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आप 1 मीटर का वाइट कॉर्ड्स जो है वो लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जो यहाँ पे डिज़ाइन है डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, 6 करके आपको कॉर्ड लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पे 1 2 3 4 6 कॉर्ड लेना है, और इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 कॉर्ड लेके फर्स्टली यहाँ पे जो नंबर ऑफ 3 कॉर्ड है इस साइड से 1 2 3 वो लेना है, और इसमें ये जो 3 कॉर्ड है इस साइड का, इसमें यहाँ पे पाइपिंग लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कॉर्ड से पाइपिंग लगाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट कॉर्ड आया है इससे ये जो 2 कॉर्ड है इससे अब पाइपिंग लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कॉर्ड में लग गया है। तो अब फ्रेंड्स, ये जो बीच का जो 2 कॉर्ड है इसमें मैं 1 क्रिस्टल यहाँ पे मैं रेड कलर की ले रही हूँ।
क्रिस्टल लगा के फिर से यहाँ पे साइड का जो कॉर्ड है इससे मैं अब ये जो क्रिस्टल जिसमें मैंने टू कॉर्ड में लगाया है वो जो टू कॉर्ड है इससे मैं अब यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पाइपिंग लगाना है। और फ्रेंड यहाँ पे जो और टू नीचे कॉर्ड है इस साइड से इसको पाइपिंग लगाना है। और लास्ट में ये जो कॉर्ड है इससे पाइपिंग लगा देना है इस तरह से। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ 6-6 कॉर्ड लेके। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन का है और पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अपनी पेंस और स्पून वगैरह रखने के लिए ये आपके घर को डेकोरेट भी करेगा। तो फ्रेंड्स इसके बीच में अब बीट्स लगाना है। अब लास्ट का जो 6 है फ्रेंड्स इस 6 को लेके भी सेम प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स अब जो एक्स्ट्रा कॉर्ड आया है उसको देखिए फ्रेंड्स छोटा छोटा करके यहाँ पे कट करना है ताकि डिज़ाइन खराब ना हो जाए। दोनों साइड से ही ये सुंदर दिखने के लिए इसको छोटा छोटा करके आराम से इसको कट करना है। और फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिक किया है तो इस तरह से लाइटर के मदद से इसको ऐसे स्टिक कर देना है। इस तरह से इसको सबको काट करके इस तरह से स्टिक कर देना है ताकि दोनों साइड से ही ये डिज़ाइन ये खराब ना हो जाए इसके लिए। तो फ्रेंड्स मेरा ये जो पेन होल्डर है वो बनके रेडी है एकदम से। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो मेरा वीडियो को वॉच करने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय।